बस इंटरनेट यूज कर रहा था तो बस हर तरफ ज़ुल्म इंतहा की कहानियां ही हैं। ये देखो ओह मेरे खुदाया मुझे ना दिखाओ, मैं इंसानों पे ज़ुल्म होते हुए नहीं देख सकती। आजकल तो बस हर जगह पे ज़ुल्म और सितम ही दिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या बनेगा इस दुनिया का। मुझे तो लगता है शायद क्यामत नजदीक है, ये सब क्यामत है कि निशानियां हैं। हाँ बात तो सच ही है। हाँ अबू, अम्मी शायद ठीक कह रही हैं। आज अशर एक वीडियो देख रहा था जिसको देखकर मेरा दिल बहुत खराब हुआ। क्या हाल है अशर? सलाम आतिफ, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बस यार कोई खास बात नहीं, ऐसे ही। क्या हो गया है? सायरन की आवाज़ सुन के तुम इतना क्यों डर गए हो? मुझे लगा कि पता नहीं जंग लगने लगी है। कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मस्जिद का सायरन है, किसी वजह से बजा होगा। और जंग क्यों लगने लगी? तुमने नहीं देखा कि मुल्क के हालात कितने खराब हो गए हैं? हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम जंग से क्यों डरे? डरना तो उनको चाहिए जिनका कोई दीन ईमान नहीं। मरने से नहीं डरता, मगर मुझे खून रेजी से बहुत डर लगता है। सच है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे बस में कुछ भी नहीं। अम्मी एक दफा आप सादिया को दुआएं सिखा रही थी, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके लिए भी कोई दुआ बताएं। हाँ बेटा, मैंने रात को ही सादिया और तुम्हारे अब्बू को वो दुआ सिखाई, तुम भी ये दुआ पढ़ा करो। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس دعا سے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی بھلائی کرے گا और ज़ुल्म व सितम को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। अम्मी